एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। मैं स्पाइर जितेन कुमार और यहाँ बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर चल रही है 6 कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमने आईपीएससी तक अपना कंप्लीट कर लिया था पोर्शन। आज हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म। अब ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, क्योंकि आपने आइसोमेरिज्म जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सुना होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है, और जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है आइसोमेरिज्म शो करते हैं, यानी कि जो आपका फिनोमिना है, ये जो फिनोमिना है आइसोमेरिज्म, ये बेसिकली मेनली है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो पहले तो देखते हैं आइसोमेरिज्म है क्या, जिसका बार बार जिक्र हो रहा है। तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसो का मतलब होता है सेम या इक्वल, ठीक है, सेम या इक्वल। और आपका विरोस का मतलब होता है पार्ट्स, ठीक है, सेम या इक्वल पार्ट्स। या इसको क्या बोल सकते हो आप, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहां से आप इसको देखो, आइसो का मतलब है सेम या इक्वल, विरोस का मतलब होता है पार्ट्स या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसका मतलब है कि वो कंपाउंड, सुनिएगा ध्यान से, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, वो कंपाउंड जिनमें क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जिनका सेम होगा कंपाउंड्स का, लेकिन उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगी, स्ट्रक्चर अलग हो जाएगी। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो जो आपका है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, क्योंकि हमने इन दोनों को रिलेट किया कि सेम, आइसो का मतलब सेम, विरोस का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है पार्ट। तो यानी कि वो कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो होगा सेम, बट स्ट्रक्चर कैसी होगी, या स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कह दो, क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा डिफरेंट। और इस डिफरेंट होने की वजह से क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, अलग हो जाती हैं। ठीक है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो जाती है। तो वो कंपाउंड्स या कंपाउंड्स जिनमें क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगी, और स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो डिफरेंट हो जाती है। और इसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं आइसोमर्स, जो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, जब दो कंपाउंड है आपके पास, उनके फॉर्म जो आपके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, और स्ट्रक्चर अलग होने की वजह से उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी भी अलग हो रही है, तो इसी को हम बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, और ये जनरली आपका जो कॉन्सेप्ट है, ये फिनोमिना जो है आइसोमेरिज्म, ये है ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। लेकिन जो आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, शो करते हैं आपकी अलग अलग तरह की आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम इसमें वही देखेंगे कि कौन कौन सी तरह की आइसोमेरिज्म शो करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो एक मैं रफ डायग्राम बना के दिखा रही हूं, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम कौन कौन सा पढ़ने वाले हैं, कैसे वो लेट है। ठीक है, तो रफली एक आपको डायग्राम बना के दिखा रही हूं, पहले इसको नोट डाउन करना तो कर लीजिए। जब स्टडी की गई तो ऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी आइसोमेरिज्म को देखा गया, तो उसका एक रफली डायग्राम है आइसोमेरिज्म का, कि आइसोमेरिज्म को ना दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में आइसोमेरिज्म है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, कौन कौन सी, पार्ट ए और पार्ट बी। ठीक है, ये पार्ट ए है, ये कौन सी है आपका, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, और दूसरा किस पार्ट में डिवाइड किया गया, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, अब जो था फर्दर आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो पार्ट में डिवाइड किया गया। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड किया गया, कौन कौन से पार्ट में, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।
ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जब इसको हमने फर्दर देखा तो ये डिवाइड हुआ सिक्स पार्ट में, कितने पार्ट में, सिक्स पार्ट में, ठीक है। थोड़ा सा और नीचे कर देती हूँ, ये ऊपर नहीं आएगा ना, ठीक है। इसका ना इसी के पार्ट है ये, यहां तक आ जाएगी ना फिर, ठीक है। ये इसको डिवाइड किया गया यहाँ वाला तो दिख जाएगा, हाँ ठीक है। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, इसको डिवाइड किया आगे सिक्स पार्ट में। फर्स्ट पार्ट है इसका, देखिए फर्स्ट पार्ट, आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका हाइब्रिड आइसोमेरिज्म, हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। थर्ड पार्ट है इसका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और फोर्थ पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट कौन सा है इसका, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, लिंकेज। और आगे इसका जो फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं, फिफ्थ पार्ट क्या कौन सा है आपका, पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और आगे इसका सिक्स पार्ट और लास्ट पार्ट कौन सा है, ठीक जाएगा तो वो है आपका कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो ये आपका मैंने क्यों बनाया, रफली आइडिया क्यों दिया आपको, मैं तो डायरेक्ट आपको आइसोमेरिज्म में डेफिनेशन दिखा दी और कराना स्टार्ट कर देती, ऐसे आपको समझ नहीं आता, माइंड में खिचड़ी पक जाती कि कौन सा पहले कौन सा बाद में, कौन सा किसका टाइप है, ये इतने सारे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम देखेंगे आइसोमेरिज्म टॉपिक हमारा स्टार्ट हो रहा है। आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दो पार्ट में डिवाइड हुआ क्योंकि अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं और वो अलग अलग इतनी सारी आइसोमेरिज्म है, ठीक है, सबको हम स्टडी करेंगे। तो आइसोमेरिज्म को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, पहला कौन सा पार्ट है इसका स्ट्रक्चर और दूसरा कौन सा हो गया स्टीरियो आइसोमेरिज्म। फर्दर हमने स्ट्रक्चर को सिक्स पार्ट में डिवाइड किया, देखो फर्स्ट पार्ट ये रहा इसका, सेकंड ये रहा, थर्ड ये रहा, फर्स्ट क्या है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, दूसरा है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, तीसरा है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और फोर्थ है आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म, फिफ्थ है आपका पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और सिक्स है आपका कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। और जब हमने स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखा तो वो फर्दर टू पार्ट में डिवाइड हुआ, कौन कौन सा, पहला है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि कौन सा किसका टाइप है, तो हमें पहले ये पढ़ना है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, ठीक है, स्ट्रक्चर में ये सारे पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो स्टार्ट करेंगे, स्टीरियो में ये दोनों पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, पहले लिख लेते हैं फिर समझेंगे आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अभी तो आपको बस ऐसे ही डेफिनेशन समझा दी थी, अब लिखते हैं इसको और फिर समझेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, तो द टर्म आइसोमेरिज्म वॉज गिवन बाय बर्जीलियस, टर्म आइसोमेरिज्म किसने दी थी, साइंटिस्ट बर्जीलियस ने, जिसका मतलब क्या है, आइसो मतलब सेम है, पर मेरोस मतलब पार्ट्स या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और डेफिनेशन क्या कहती है, द कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला हो, एज वेल एज फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होनी चाहिए। सच कंपाउंड्स आर आइसोमर्स, ऐसे कंपाउंड्स आइसोमर्स होते हैं और फिनोमेना क्या कहलाता है आपका, आइसोमेरिज्म कहलाता है। अब आइसोमेरिज्म जो है मेन फीचर है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड का, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आइसोमेरिज्म को, क्यों करते हैं, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, रीजन भी है डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड, लिगेंड के डिफरेंट अरेंजमेंट के कारण आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एग्जिबिट वेरियस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म शो करते हैं, विच आर एज फॉलोज, जो कि हैं इस तरह से आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये है आपका फर्स्ट है आपका आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की दो पार्ट में डिवाइड की गई है, पहला ये रहा और दूसरा ये रहा, अभी आपको समझा दिया ये चार्ट, ठीक है। इसको फर्दर सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड
फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ। और इसी तरह स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट एंड सेकंड, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और ये सिक्स में किया गया आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपने स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए लिखिए जल्दी से। चलिए आगे समझते हैं। तो अपना फर्स्ट पार्ट स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखते हैं, जिसको हम 2D आइसोमेरिज्म भी कहते हैं। तो द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड डिफरेंट अरेंजमेंट, लिगेंड के डिफरेंट अरेंजमेंट को ही क्या कहते हैं हम? आइसोमेरिज्म कहते हैं। द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड अराउंड सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम के अराउंड लिगेंड के डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। क्योंकि स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाएगी जब आप लिगेंड का अरेंजमेंट चेंज कर दोगे सेंट्रल मेटल के अराउंड। सेंट्रल मेटल तो फिक्स रहने वाला है, बस उसके अराउंड जो लिगेंड है उनकी पोजीशन चेंज करते रहोगे तो क्या होगा, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाएगी। इसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। एंड इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू सिक्स पार्ट, सिक्स पार्ट में क्लासिफाई किया जा सकता है। फर्स्ट अपना है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या है? द आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स फॉर्म डिफरेंट आयंस ऑन देयर आयनाइजेशन, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें क्या होगा, जिसमें क्या होगा कि आइसोमर्स क्या करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे, आयंस जनरेट करेंगे, आयंस शो करेंगे फॉर देयर आयनाइजेशन। जब आप आपके पास आइसोमर्स हैं, उनका जब आप आयनाइजेशन करते हो तो दोनों ही क्या करेंगे, अलग अलग आयंस देंगे, डिफरेंट डिफरेंट आयंस शो करेंगे या आयंस बनाएंगे, तो इसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इन विच, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जिसमें जो आइसोमर्स है वो क्या करेंगे, डिफरेंट आयंस देंगे या बनाएंगे ऑन देयर आयनाइजेशन, उनके आयनाइजेशन करने पर डिफरेंट आयंस आपको देंगे, उसी आइसोमेरिज्म को कहते हैं हम आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं इसका। तो आपका एग्जाम्पल है यहाँ पर आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे क्रोमियम। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्रोमियम NH3 का 5ClSO4, ये है एक आपका कंपाउंड। और एक और कंपाउंड है, देखो कौन सा कंपाउंड है एक और, जब हमने CrNH3 का 5ClSO4 का आयनाइजेशन करा तो ये किसमें जुड़ गया, CrNH3 का 5Cl इसके ऊपर आयन हो जाएगा, इसके ऊपर अलग आयन हो जाएंगे, आपको पता है SO2-2 बनाता है SO4-2, तो ये क्या हो गया +2, ये -2। ठीक है, आयन बन गए। अब हमने क्या करा, कंपाउंड मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम ही रखना है, आइसोमर्स तो वही होंगे ना जिनका मॉलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग हो। ठीक है, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला वही है, देखो CR ऊपर था, CR नीचे, NH3 के 5 ऊपर मॉलिक्यूल से, NH3 के 5 मॉलिक्यूल नीचे, SO4 एक था, SO4 एक है, CL एक है, CL एक है, यानी कि दोनों कंपाउंड को आप क्या कह सकते हो देखकर कि दोनों कंपाउंड कैसे आइसोमर्स है क्योंकि मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम है। ठीक है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, क्या डिफरेंट हुआ, हमने इस बार SO4 को अंदर लिया हुआ है, CL को बाहर, बस इतना ही तो है, बाकी सेंट्रल मेटल एटम चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बस अरेंजमेंट चेंज हो गया, किसका अरेंजमेंट, वो भी लिगेंड का अरेंजमेंट चेंज हुआ, तो लिगेंड के अरेंजमेंट के कारण ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म होती है। और आइसोमेरिज्म भी हम आयनाइजेशन वाली पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा इसमें अब क्या होगा, CL आपको पता है -1 बनाता है, तो यहाँ क्या आएगा +1, तो इस पे आया +1 और इस पे आया -1। ठीक है, तो अब आप देखो, खुद ही देखो, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम था लेकिन स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिफरेंट होने की वजह से क्या हुआ, अलग अलग आयंस बने। ठीक है, इसने अपने आयंस ये वाले दिए, इसने अपने आयंस ये दिए। ठीक है, दोनों के आयंस क्या हुए, डिफरेंट, तो वही तो लिखा है, वो आइसोमर्स जो क्या करते हैं, आयनाइजेशन होने पर डिफरेंट डिफरेंट आयंस देते हैं, आपको डिफरेंट डिफरेंट आयंस मिले, उधर +2 इधर -2, +1 इधर -1। ठीक है, और ये CL आ रहा है, इधर SO4 आ रहा है, इधर SO4 आ रहा है, इधर CL आ रहा है। ठीक है, तो डिफरेंट आयंस मिल गए ना। चलिए बोथ ऑफ दिस, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एग्जांपल का, कि बोथ ऑफ दिस कंपाउंड्स, ये दोनों कंपाउंड्स क्या है, हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, दोनों क्या रखते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखते हैं, आइसोमर्स तो है, तो आप यहाँ लिख सकते हो बोथ कंपाउंड्स आर आइसोमर्स बिकॉज दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दिस कंपाउंड्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ये कंपाउंड क्या रखेंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रखेंगे,
जैसे CrNH3 का 5ClSO4, यानी कि फर्स्ट वाला तो आपको क्या देगा, गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी देगा किसके साथ, विद BaCl2 के साथ। जब आप BaCl2 के साथ इसका रिएक्शन करते हो तो क्या देता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है। लेकिन जब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ करते हो, AgNO3 के साथ, तो ये कोई टेस्ट नहीं देता है, डज नॉट गिव एनी टेस्ट विद AgNO3। लेकिन इससे अपोजिट ये वाला क्या करता है कंपाउंड, सिमिलरली इसी तरह CrNH3 का 5SO4Cl, ये वाला क्या करता है, गिव व्हाइट प्रेसिपिटेट, ये भी व्हाइट प्रेसिपिटेट देता है, लेकिन किसके साथ, AgNO3 के साथ देता है, और BaCl2 के साथ कोई टेस्ट ही नहीं देता। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि दोनों कंपाउंड कैसे हैं, आइसोमर्स तो हैं क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या है इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो रही है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज रख रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला BaCl2 के साथ अपना व्हाइट प्रेसिपिटेट देगा, जबकि दूसरे वाला BaCl2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा। फर्स्ट वाला AgNO3 के साथ कोई टेस्ट नहीं देगा, लेकिन ये AgNO3 के साथ ही व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन करिए, फिर चलते हैं सेकंड आइसोमेरिज्म, आपकी हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। आगे स्टार्ट करते हैं हमारी सेकंड आइसोमेरिज्म, हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। हाइब्रिड आइसोमेरिज्म क्या होता है, वर्ड क्या, हाइब्रिड, हाइड्रेट मतलब क्या होता है, हाइड्रेशन मतलब वाटर ऐड करना है ना, हाइड्रेट मतलब वाटर, तो वहीं से रिलेट करेंगे इसको। द आइसोमेरिज्म क्रिएटेड बाय डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जो क्रिएट होती है किससे, बाय डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड एंड आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है ना, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर डिफरेंट डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होने की वजह से जो आइसोमेरिज्म पाई जाती है उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। ठीक है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल्स की डिफरेंट डिफरेंट नंबर, यानी कि डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड और आउटसाइड स्फीयर, स्फीयर के आउटसाइड या इनसाइड डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अगर है तो वहां पे जो आइसोमेरिज्म होगी उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करेंगे। जैसे एग्जांपल है आपका CrH2O का 6Cl3, ये वाला एक कंपाउंड है जिसमें आपका वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने हैं अंदर, 6 है Cl3। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल में क्या कर रहा है, इन्होंने मॉलिक्यूल का जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो तो सेम ही है, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज कर दी, इस बार 5 मॉलिक्यूल रहने थे, एक मॉलिक्यूल H2O का बाहर निकाल दिया स्फीयर से और दो मॉलिक्यूल Cl2 के बाहर निकाल दिए। फिर इससे नेक्स्ट में इन्होंने ऐसे करा, क्रोमियम तो सेम चल रहा है, ठीक है, सेंटर मेटल आइटम सेम है, इस बार क्या किया, वाटर के दो मॉलिक्यूल बाहर निकाल दिए और Cl का एक निकाला। ठीक है, यहाँ पे उल्टा कर दिया, जैसे ये था इस बार इसमें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर और Cl के दो, इसमें क्या किया, वाटर के दो और Cl का एक, ठीक है, दो एक वाला रेशियो कर दिया। तो जब आप देखोगे इनमें अंतर, देखने में तो क्या है इनका, यहाँ ओवरऑल देखो तो 6 ही वाटर मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे देखो 5 और 6, 4 और 2 आएगा, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, 2 आएगा, ठीक है, और Cl कितने हैं, वहां पे 3 है, तो यहाँ पे देखो 1 और 2 3, 2 और 1 3, यानी कि Cl भी सेम है, वाटर भी सेम है और क्रोमियम भी सेम है, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम है तीनों कंपाउंड्स में, लेकिन यहाँ पर क्या है, अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है, यानी कि वाटर का अंदर और बाहर, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स का स्फीयर के बाहर और अंदर क्या होगा, नंबर चेंज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे उन्हें कि हाइड्रेट आइसोमर्स हैं, आइसोमेरिज्म है, और इसका पता ऐसे चलता है कि इनकी प्रॉपर्टीज अलग हो जाती है। जैसे ये वाला कंपाउंड का कलर होगा वायलेट, इस वाले कंपाउंड का कलर होगा लाइट ग्रीन और इस वाले कंपाउंड का कलर होगा डार्क ग्रीन। ठीक है, इसका वायलेट, लाइट ग्रीन और डार्क ग्रीन, यानी कि तीनों के कलर चेंज हो रहे हैं, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है तभी भी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे आइसोमेरिज्म हो रही है, और आइसोमेरिज्म भी कौन सी हो रही है, वाटर मॉलिक्यूल को लेकर हम देख रहे हैं आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म का नाम पड़ गया हाइब्रिड आइसोमेरिज्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइसोमेरिज्म देख रहे हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होगा, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में जो एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, लिगेंड का जो चेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड, एक्सचेंज ऑफ लिगेंड जो होगा, ठीक है, बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर इज नॉन एज कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जो किसकी वजह से होती है, लिगेंड के एक्सचेंज की वजह से, बिटवीन टू कोऑर्डिनेशन स्फीयर, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर दिए होंगे आपको, उनमें क्या हो रहा है, लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, और इसको क्या कहते हैं हम, कोऑर्डिनेशन
आइसोमेरिज्म, दोनों कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड्स का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, एक दूसरे में एक्सचेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिगेंड एक्सचेंज की वजह से जो होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो सी आर साइन एंटर सिक्स है, यहाँ पर क्या हो रहा है सी आर एनओ टू सिक्स, ये वाला क्या है सी आर एन एस साइन एंड सिक्स, यहाँ पर लिगेंड का चेंज हो गया एनओ टू आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्या है सीओ एनओ टू सिक्स, यहाँ पर क्या आ गया सीओ सी एन सिक्स, ठीक है, समझ पा रहे हो। यहाँ पर सी आर साइनेट था, लिगेंड एक्सचेंज हो गया, ये वाला लिगेंड आ गया, इसमें क्या था सीओ के साथ एनओ टू था, यहाँ पर लिगेंड आ गया आपका साइनाइड, लिगेंड का एक्सचेंज हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर, दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, दोनों के बीच में क्या हो रहा है लिगेंड का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। ये वाला एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, ये दोनों के अंदर लिगेंड का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो आइसोमेरिज्म किसकी वजह से, जब दो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच लिगेंड के एक्सचेंज की वजह से आइसोमेरिज्म होती है, उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। और जब क्या होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर और बाहर वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंट नंबर हो जाए, तो इसी से होने वाली आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। और आयनाइजेशन वाली आपने देखी थी, जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या देते हैं आपको डिफरेंट आयन्स देते हैं, आयनाइजेशन होने पर उससे होने वाली आइसोमेरिज्म को बोलते हैं आयनिक आइसोमेरिज्म। तो आयनिक आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म हो गई। अब फोर्थ पे चलते हैं अपनी लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म क्या होता है, द आइसोमेरिज्म ड्यू टू डिफरेंट लिंकेज पैटर्न ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि वो आइसोमेरिज्म जो किसकी वजह से होती है डिफरेंट लिंकेज पैटर्न ऑफ सेंट्रल मेटल एटम विद लिगेंड, यानी कि लिगेंड के साथ डिफरेंट सेंट्रल मेटल एटम का पैटर्न जो है डिफरेंट लिंकेज पैटर्न, यानी कि अलग जो लिंकेज पैटर्न है वो चेंज हो रहा है लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में, जो लिंकेज पैटर्न या आप कह सकते हो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बॉन्डिंग या लिंकेज जो आपका हो रहा है वो क्या हो रहा है डिफरेंट पैटर्न में हो रहा है, तो इससे होने वाली आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज मतलब लिंक करना, लिंक, ठीक है। जैसे सेंट्रल मेटल एटम लिगेंड के साथ किसी लिंक के थ्रू जुड़ा है, लिंकेज हो रहा है उनके बीच, सेंट्रल मेटल एटम और किसके बीच लिगेंड के बीच लिंकेज हो रहा है, तो वो लिंकेज डिफरेंट हो जाए, अगर वो लिंकेज डिफरेंट हो जाए तो इससे होने वाली आइसोमेरिज्म को बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल के थ्रू देखो और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखें सी आर एन एस थ्री का फाइव एनओ टू सी एच टू, ये एक क्या है आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसमें क्या किया एन एस थ्री का फाइव तो ऐसे रहने दिया, हमने क्या किया एनओ टू है तो एनओ टू, यहाँ भी देखो ओ एनओ है तो एनओ टू ही, लेकिन हमने क्या किया इस बार यहाँ पर ओ कर दिया, यानी कि इस बार पहले क्या था इस क्रोमियम से एन जुड़ा था, एन क्या था डोनर एटम हो रहा था, लेकिन इस बार क्या है यहाँ पर ओ डोनर एटम हो रहा है, ठीक है ओ एनओ हो गया, तो यही क्या है आपका डिफरेंट, यानी कि लिंकेज चेंज हो गया ना सेंट्रल मेटल एटम के साथ लिगेंड का जो लिंकेज पैटर्न हो रहा था वो डिफरेंट हो गया, पहले एन से जुड़ रहा था इस बार ओ से जुड़ रहा है, लिंकेज पैटर्न डिफरेंट हो गया, इसी से होने वाली जो आइसोमेरिज्म होती है उसे क्या बोलते हैं हम लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसी तरह एक और एग्जांपल के थ्रू देखो के फोर एफ सी एन सिक्स, के फोर एफ सी एन सिक्स है ठीक है साइनेट ग्रुप है, यहाँ पर के फोर एफ ए हमने इस बार क्या किया एन से जोड़ दिया, यहाँ पर पहले एफ ए किससे जुड़ा है सी से ठीक है साइनेट से, लेकिन साइनेट आ रहा है हमें लिगेंड, लेकिन इसमें क्या हुआ आपका एफ ई किससे जुड़ा है आइसोसाइनेट से, यानी कि एन आ गया चेंज हो गया पैटर्न इस बार, ये पहले वाले पैटर्न कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो आपका ये है आयरन, आयरन किससे लिंक हो रहा है साइनाइड ग्रुप से, लेकिन दूसरे वाले में क्या किया हमने पैटर्न चेंज कर दिया, इस बार हमने एन से जोड़ दिया उसको, यानी कि आइसोसाइनेट बन गया लिगेंड। तो डिफरेंट लिंकेज पैटर्न से जो आपकी आइसोमेरिज्म होती है उसे हम बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब हमारी चलेगी फिफ्थ आइसोमेरिज्म, कौन सी थी पॉलीमराइजेशन और कौन सी बची है अभी सिक्स, पॉलीमराइजेशन कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म, ठीक है उनको और देख लेते हैं एक बार, इसको नोट डाउन करिए। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं हमारी फिफ्थ आइसोमेरिज्म पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। अब ये आइसोमेरिज्म क्या होती है, इसमें क्या होता है द आइसोमेरिज्म इन विच द कंपाउंड्स हैव सेम स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन तो सेम हो लेकिन मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या हो जाए मल्टीपल्स, ठीक है। जैसे सेम स्टोइकोमेट्रिक कंपोजिशन सेम हो लेकिन उनका क्या हो मॉलिक्यूलर कंपोजिशन क्या हो जाए मल्टीपल, ऑफ द सिंपलेस्ट स्टोइकोमेट्रिक अरेंजमेंट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो वो आइसोमेरिज्म जिसमें क्या हो जो भी आपके कंपाउंड्स हैं या कंपोजिशन जो
आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ठीक है, वो क्या क्या है आपका, जिस भी एलिमेंट से मिलकर बनाए उनकी कंपोजिशन तो सेम हो सभी में, ठीक है, लेकिन क्या हो वहां पे मॉलिकुलर कंपोजिशन क्या हो, मल्टीपल, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंज हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, जैसे प्लेटिनम NH3Cl, ये वाला मॉलिक्यूल पकड़ो, अभी इतना पूछा, यहाँ देखो PtNH3Cl, प्लेटिनम अमोनिया Cl है, प्लेटिनम अमोनिया Cl है, प्लेटिनम अमोनिया Cl है, और कुछ तो नया एलिमेंट नहीं दिख रहा, ठीक है, हमने तीनों यहाँ लिख ली, प्लेटिनम अमोनिया Cl, प्लेटिनम अमोनिया Cl, प्लेटिनम अमोनिया Cl, लेकिन अब इनका रेशियो देखें किस किस नंबर में है, मॉलिक्यूल्स का नंबर देखें तो प्लेटिनम यहाँ क्या है, एक, तो हमने प्लेटिनम के आगे क्योंकि हमने इस अनुपात में लिया है तो इसीलिए पहले प्लेटिनम का नंबर लिखेंगे, एक लिखा। अब देखो NH3 कितना है, दो, और Cl कितना है, दो, ठीक है, यहाँ पे प्लेटिनम कितना है, एक और एक दो, पूरा कंपाउंड है ये एक, ठीक है, और यहाँ पे अमोनिया कितना है, चार, और Cl कितना है, चार, ठीक है, इसमें देखा प्लेटिनम कितना है, दो, NH3 कितना है, तीन, सॉरी तीन, यहाँ तीन तो वो है, छह हो गए, छह, ठीक है, कितना है, छह, और Cl कितना है, दो और चार कितने हो गए, छह, ठीक है, ये हो गया आपका, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड, ये कंपाउंड, देखो नंबर ऑफ इसमें कंपोजिशन सेम है, देखो कंपोजिशन ये जो तीनों कंपाउंड्स है तीनों ही प्लेटिनम अमोनिया और Cl क्लोराइड से मिलकर बने, प्लेटिनम अमोनिया क्लोराइड क्लोरीन से मिलकर बने हैं, लेकिन तीनों में क्या हो रहा है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिफरेंट हो रहे हैं, ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूलर जो कंपोजिशन है वो अलग हो रही है, इसमें क्या है, एक प्लेटिनम, दो अमोनिया, दो Cl, इसमें दो प्लेटिनम, चार अमोनिया, चार Cl, इसमें दो प्लेटिनम, छह अमोनिया, दो चार, छह Cl, तो अलग अलग कंपोजिशन हो रही है, 1, 2, 2, 2, 4, 4, 3, 6, 6, इस तरह से ये कंपोजिशन क्या हो रही है, देखो सोशियोमेट्रिक कंपोजिशन तो सेम है, यानी कि एलिमेंट तो सेम है तीनों में, लेकिन मॉलिक्यूलर जो कंपोजिशन वो अलग हो रही है, मॉलिक्यूल्स चेंज हो रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो इससे होने वाली जो आपकी आइसोमेरिज्म होगी उसे बोलेंगे पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेशन पोजिशन या लीगेंड आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पोजिशन आइसोमेरिज्म या लीगेंड आइसोमेरिज्म, ये क्या होती है, द आइसोमेरिज्म विच अराइजेस, जो अराइजेस होती है किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लीगेंड, बस इतना ही ध्यान रखना है, जो लीगेंड की वजह से अराइज होती है, कैसे, विच कैन अडॉप्ट डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म, क्या है, लिगेंड की वजह से होने वाली जो आइसोमेरिज्म होती है उसे लिगेंड आइसोमेरिज्म बोलते हैं, और लिगेंड क्या करता है, इसमें अडॉप्ट कर लेता है डिफरेंट आइसोमेरिक फॉर्म, कैसे, देखो यहाँ पर CO CH2 CH CH3, यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर CH2 के पास क्या लगा है, NH2, यहाँ पे क्या है, NH2, ठीक है, इसमें CO CH2 CH CH3, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे जो अमीन ग्रुप है NH2 यहाँ है, और ये इसमें क्या है, अमीन ग्रुप यहाँ है, ठीक है, यानी कि इस वाली पोजिशन पे, इस वाली पोजिशन पे, इसका नाम 1, 2, ये पोजिशन है 1, 2, 3, यानी कि 1 और 3, 1 और 2 पोजिशन पर क्या है, अमीन ग्रुप है आपका, ठीक है, लेकिन अगर इसमें देखें तो यहाँ देखो ये 1 पोजिशन है, 1, इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे 1, 2, 3, तो 1 और 3 पोजिशन पे क्या है आपका, अमीन ग्रुप है, तो लीगेंड की वजह से, लीगेंड की प्रेजेंस पोजिशन की वजह से जो आपके आइसोमेरिज्म होती है उसे क्या कहते हैं हम, लिगेंड की पोजीशन, लिंकेज नहीं है, लिंकेज आइसोमेरिज्म और लिगेंड आइसोमेरिज्म को मैं कंफ्यूज मत होइए, लिंकेज हमने देखा था सेंट्रल मेटल एटम का लिंकेज लिगेंड के साथ, ठीक है, अगर अलग तरह से हो रहा है तो वहां लिंकेज, लेकिन यहाँ क्या हो रही है, लिगेंड की पोजीशन चेंज हो रही है, जैसे यहाँ देखो 1, 2 लिंक जो आपका लिगेंड है, देखो 1 और 2 पोजिशन पे है, जबकि इसमें क्या है 1 और 3 पोजिशन पे है, तो इससे होने वाली जो आइसोमेरिज्म होगी इसको बोलेंगे लिगेंड आइसोमेरिज्म। तो अभी इस यहाँ पे क्लास में हमने आज क्या देखा, आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो, हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म स्टार्ट किया, उसके 6 पार्ट होते हैं, हमने 6 के 6 कंप्लीट कर लिए, कल हम नए जो लेक्चर में देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें हम देखेंगे अपना ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ठीक है। तो और अगर आप जो आपका मैथ का पेड कोर्स है वो आप लेना चाहते हैं तो PCM ग्रुप एप्लीकेशन पे चल रहा है, ठीक है, उसका नंबर मैं आपको लिख देती हूँ, नंबर पे आप डिटेल ले सकते हैं, ठीक है। तो अभी इस वाले आइसोमेरिज्म जो है इसको नोट डाउन करिए और इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर पे कवर करेंगे, ठीक है, आज की क्लास के लिए नहीं, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।